आज मैं आपको फरवरी के मंथ में गुलाब का कटिंग लगाने सिखाता हूँ। मैंने पहले ही कट करके रखा है, कुछ देर पहले ही कट किया है। मिट्टी को थोड़ा भूरा कर लें, थोड़ा सा ढीला कर लें इस तरह से। अब इसमें ये देखिए, मैंने अंडे का चूर लिया, अंडे का जो खोल बच जाता है वो लिया है। ये फूल की उपजाऊता के लिए बहुत आवश्यक है, इसमें कैल्शियम है और बहुत से गुण हैं। ये इसको मिक्स कर लें। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद टब में जो होल है वहाँ कुछ ईंटे के टुकड़े रख दें, इस तरह से ईंटे के टुकड़े रख दें ताकि ड्रेन आउट होने टाइम आपका मिट्टी ना निकले, इस तरह से। इसके बाद इसे फिल करें। इस तरह से इसे फील कर लें, हल्का चापे, जोर से ना चापे। इसके बाद ये है रूट हार्मोन, इसका इस्तेमाल करें, इससे रूट काफ़ी फास्टली ग्रो करता है। ये रहा गुलाब का, चार कटिंग है। थोड़ा सा पानी में डुबा लें सभी को, इस तरह से पानी में डुबा लें। देखिए मैंने डुबाया है, उसके बाद इसे रूट हार्मोन में डालें, इस तरह से रूट हार्मोन लगा लें, थोड़ा सा झाड़ दें। उसके बाद एक तिनके के जरिए यहाँ होल करें, डायरेक्ट पुशअप नहीं करें, एक तिनके के जरिए होल करें। होल करने के बाद आहिस्ता से बैठा दें, किस तरह से। फिर देखिए मैं दूसरा ले रहा हूँ, ठीक इसी तरह रूट हार्मोन लगा लें। छुआ दिया है। उसके बाद तीसरा ले लें, उसके बाद चौथा ले लें। ये देखिए रूट हार्मोन सही से लगा है। इसके बाद जो भी लगाएं हल्का टाइट कर दीजिए,
हल्का सा टाइट कर लें। इसके बाद इसे बॉटल कटिंग से ढक दें। इससे क्या होता है कि इसे क्लाइमेट का डीप जो सन रे है उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो ये ग्रो करने में बहुत आराम मिलेगा। इसे इस तरह से करके लगा दें। इसके बाद इसमें वाटरिंग कर दें इस तरह से। वाटरिंग आपको डेली करना है, और एक चीज़ का ध्यान रखें, लीव्स आ जाएंगे फिर भी आप इसे खोल के ना छोड़ें। कम से कम इसे 45 दिनों तक या फिर 40 दिनों तक इसमें ग्रो होने दें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पेड़ की ताकत से पत्तियां निकल आती हैं, लेकिन श्योर नहीं है कि रूट आपका ग्रो कर गया। रूट ग्रो करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए गुलाब में थोड़ा वेट कर लें। आइए आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले लगाया है। आइए आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले लगाया है। ये देखिए सारे इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। ये मैंने अभी अभी खोला है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ये मैंने लगाया है और कल ही खोला हूँ इसे, और इसमें कुछ और लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये करीब करीब मैंने 40 दिन पहले लगाया था, ये ग्रो कर गया है, कल ही मैंने खोला इसे। और एक और देख सकते हैं आप, ये देखिए 2-3 दिन पहले मैंने खोला इसे, देखिए क्या बढ़िया ग्रो किया है। तो इस तरह से आप भी फरवरी में पेड़ की कटिंग लगा सकते हैं, गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं। ओके, बाय, सी यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, नयाब नर्सरी।